हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वैसे तो मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस किए थे। सो यही सीरीज़ मैं आगे बढ़ाऊँगी आपकी। आज हम यही डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, और मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएंगे उसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बाकी का जो कोर्स कंटेंट है वो भी कवर करवाऊंगी, और उसके साथ साथ मैं एमसीक्यू जो है वो भी लेके आऊंगी। सो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचिंग इज इन अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब हो गया कि एक टीचिंग प्रोसेस है एक कंट्री में, सो वो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस, सेकंड है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, थर्ड है सोशियो साइको कंडीशंस, एंड फोर्थ है सोशियो लीगल कंडीशंस। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस जो होता है एक सोशल एनवायरनमेंट से तो जुड़ा रहता है, सो सब में सोशियो तो है ही, सामाजिक पॉइंट तो है ही। बट इन्होंने सेकंड जो ऐड किया है किसी का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइको, लीगल। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो टीचिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सो इसमें एक पॉलिटिकल जो होता है, पॉलिटिक्स का रोल ज़्यादा हो जाता है टीचिंग प्रोसेस में। सो आपका इसमें आंसर हो गया फर्स्ट, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारा, टीचर वर्क्स एज अ फैसिलिटेटर सिस्टम। ऑप्शंस है आपके डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। ये जो तीनों पॉइंट है ये है टाइप्स ऑफ टीचिंग में। मेरे जो इस चैनल में मैंने एक वीडियो भी लॉन्च किया था, उसमें मेन टॉपिक था ये टाइप्स ऑफ टीचिंग, और ये तीनों चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की थी। अगर आपने वो ध्यान से देखी हो तो आपको ये आंसर जो है इजीली समझ में आ जाएगा, और इसका आंसर भी पता चल जाएगा कि क्या है इसका आंसर। सो अगर फैसिलिटेटर की बात करूँ तो डेमोक्रेटिक में ये पॉसिबल नहीं है, ऑटोक्रेटिक में भी ये पॉसिबल नहीं है। लेजिस्फेयर जो है उसमें लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एक टीचर, एज अ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उसका काम हो जाता है एक टीचर का। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ लर्निंग ऑकर्स एट विच लेवल। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो किस टाइप में, किस लर्निंग में आता है। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, एंड फोर्थ है नॉलेज लेवल। वैसे तो मैंने लेवल ऑफ टीचिंग वाला भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थ्री टाइप्स के लेवल बताए थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सो फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारे टाइप्स ऑफ लेवल में है ही नहीं। सो आपको डिफाइन करना है कि तीनों में से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है। मेमोरी में भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ समझने से रिलेटेड होता है, और रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि सामने से कुछ रिव्यू आना। सो इसका सिंपल सा आंसर हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है आपका, द चिल्ड्रंस लर्निंग इज अफेक्टेड बाय विच फैक्टर। जो एक चाइल्ड है उसका लर्निंग जो प्रोसेस है और लर्निंग आउटकम है वो किस फैक्टर के थ्रू अफेक्टेड होता है ज्यादा, वो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है। फर्स्ट है मोटिवेशन अगर मिलता है टीचर से, सेकंड है इंटरेस्ट उसका किस चीज़ में है, थर्ड है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, एंड फोर्थ है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसका फिजिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह से है। सो अगर ऐसे ऑप्शन देखे जाए तो सारे ही फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट हैं, बट UGC नेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अपन को ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट उसमें से अपन को एक बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है। सो एक इसका आंसर है करेक्ट फर्स्ट, मोटिवेशन। एक टीचर के थ्रू अगर अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो एक चाइल्ड का जो है लर्निंग आउटकम जो है वो अच्छा आता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन वन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेजर डिफ़िकल्टीज अराइज इन एडोलसेंस। जो किशोरी अवस्था है उसमें जो मेन डिफ़िकल्टी अराइज होती है वो कौन सी होती है। फर्स्ट है ईगो, सेकंड है एंगर, थर्ड है ग्रुप फीलिंग्स, एंड फोर्थ है साइकोलॉजिकल चेंजेस।
एडोलसेंस एंड एडल्ट लर्निंग वाला मैंने एक वीडियो पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसमें एडोलसेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी डिफाइन किए थे मैंने। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, एंगर, क्योंकि एडोलसेंस लर्नर जो होते हैं उनमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और वो हैप्पी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमोशनली डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए। फर्स्ट है ऑप्शन मेच्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस, सेकेंड है एनवायरमेंट एंड मेच्योरिटी, थर्ड है मेच्योरिटी एंड लर्निंग, एंड फोर्थ है लर्निंग एंड एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन भी वैसे अच्छा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि अगर इमोशनली अगर देखा जाए चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे किस तरह से होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वैसे, करेक्ट आंसर है वैसे मेच्योरिटी एंड लर्निंग। मेच्योरिटी के थ्रू वो थोड़ा इमोशनली डेवलप करता ही है और लर्निंग प्रोसेस के थ्रू भी वो इमोशनली डेवलप करता है, ना कि किसी इकोनॉमिक स्टेटस से, ना तो एनवायरमेंट का पॉइंट में मानती हूँ कि थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, लेकिन अगर लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है एक चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन फर्स्ट है क्रिटिकल, सेकंड है यूटिलिटेरियन, थर्ड है आर्टिफिशियल एंड फोर्थ है कन्फ्रंटेशनल। फर्स्ट जो है ऑप्शन क्रिटिकल, क्रिटिकल बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन अगर क्रिटिकल होगा सो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सेकंड है यूटिलिटेरियन को बोलते हैं हिंदी में उपयोगी, उपयोगी जो है हो सकता है कम्युनिकेशन। थर्ड है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है और काफ़ी अच्छा होता है, एक आर्टिफिशियल नहीं होता है। और फोर्थ है कन्फ्रंटेशनल, का मतलब होता है आमने सामने वाला या टकराव वाला कम्युनिकेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक टीचर जो होता है वो गाइड का काम करता है और स्टूडेंट जो होता है वो लिसनर होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड यूटिलिटेरियन। ये जो क्वेश्चन है आई थिंक नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, मैंने ये पूछा है कि फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट इन टीचिंग प्रोसेस। ऐसे क्वेश्चन टीचिंग वाले बहुत बार आ चुके हैं यूजीसी नेट में, कंफ्यूजिंग के हिसाब से नॉट डाल देते हैं बीच में। फर्स्ट है टीचर्स नॉलेज, सेकंड है क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इनकरेज लर्निंग, थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, फोर्थ है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। और अगर इसमें से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन थर्ड जो है वो उसका आंसर है, जो इम्पैक्ट नहीं करता है टीचिंग प्रोसेस को। एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर और स्टूडेंट का कोई मायने नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं करता है उसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन में। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, सेकेंड है क्वेश्चनिंग, थर्ड है एक्सप्लेनिंग एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों चीज़ें जो होती है टीचिंग स्किल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंक्लूड होती है उसमें ही। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। कौन सा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो टीचर को एक ध्यान में रखना चाहिए कि एक स्टूडेंट को अगर वो उससे स्टूडेंट से अगर कम्युनिकेशन कर रहा है क्लासरूम में, सो कौन सी चीज़ है जो एक टीचर को सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फर्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसका मतलब होता है निकटता का परिहार हिंदी में। सेकंड है वॉइस मॉड्यूलेशन, जो आपकी आवाज़ है उस पर ध्यान देना। थर्ड है रिपीटेटिव पॉज,
ज़्यादा रिपीट भी नहीं करना है। एंड फोर्थ है फिक्स पोस्चर, एकदम फिक्स पोस्चर भी नहीं होना चाहिए टीचर का। वैसे अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं चारों ही करेक्ट लग रहे हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर टीचर का वॉइस जो है वो अच्छा नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स तक आवाज़ ही नहीं जाएगी और स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट हो गया वो है वॉइस। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो गया आपका ऑप्शन सेकेंड। सो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मेरे वीडियोस में और भी कुछ MCQs आएंगे टीचिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और उसका कोर्स कंटेंट भी आएगा। सो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।